हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास क्लास 12th। देयर इज द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच मे बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन सी मेन टॉपिक्स एज नेम रिएक्शन एज शॉर्ट नोट आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इनकी इंपॉर्टेंस केवल इतनी नहीं है कि ये नेम रिएक्शंस हैं। इफ यू लर्न ऑल दीज नेम रिएक्शंस यू आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स बाय नेम यू कैन लर्न। जितने नेम रिएक्शन आप याद करोगे उतने कन्वर्जन भी आपको साथ साथ याद होंगे, बिकॉज बाय नेम आपको याद होगा कि किस रिएक्शन में क्या केमिकल एज रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है बनेगा, साथ ही किन केमिकल्स की प्रेजेंस में रिएजेंट्स की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होगी। So, these reactions are very important and the most important reactions are the starred chemical reactions. तो उनको आप specially याद रखें। Number one, Wood's reaction. In this reaction, alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether and alkane will be formed. Only these three lines you have to write. Especially you have to learn कार्बन के नंबर्स यहाँ पर जस्ट डबल होंगे। मिथाइल क्लोराइड इज हैविंग वन कार्बन एंड इथेन इज हैविंग टू कार्बन। इफ यू टेक इथाइल क्लोराइड इट विल गिव ब्यूटेन। सेकंड, उल्मान रिएक्शन, इट इज सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। हेयर एरोमेटिक हैलाइड इज ट्रीटेड विद कॉपर मेटल एंड डाइफिनाइल इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन इज जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन बट फोर एरोमेटिक हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड की बजाय एरोमेटिक हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनको हम अगर लेकर चलते हैं तो हमें यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन में हमें मिलेगा डाइफिन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन इट इज द मिक्सचर ऑफ वुड्स एंड फिटिंग रिएक्शन। मीन्स वन इज द एरोमेटिक हैलाइड, वन इज एलिफेटिक हैलाइड। दोनों को हम लेकर चलेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमाइन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक QH। सो आइसोसाइनाइड्स विद वेरी ऑफेंसिव स्मेल आर फॉर्म्ड एंड इट इज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। तो आपको ये लैंग्वेज याद रखनी है, साथ ही ये रिएक्शन का एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है कि कंप्लीट द रिएक्शन में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। विलियमसन्स सिंथेसिस। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम एल्कोक्साइड एंड ईथर इज फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। CH3Cl एल्काइल हैलाइड, C2H5ONa सोडियम एल्कोक्साइड, इथोक्साइड और बना रहे हैं ये ईथर। सैंडमेयर रिएक्शन। In this reaction, diazonium salt is treated with halogen acid in the presence of its copper salt. So, haloarenes are formed. Chlorobenzene is formed from diazonium salt if reaction is treated with CuCl and HCl. Bromobenzene can be prepared if we take CuBr and HBr. Quaterman reaction is modification of Sandmeyer reaction. In this case, we use copper powder instead of CuCl. So, in this reaction, diazonium salt is treated with halogen acid in the presence of copper powder and haloarene is formed. So, you can learn this method to prepare chlorobenzene. Swart reaction, very important reaction. It is used to get alkyl fluoride from alkyl chloride and alkyl bromide, and alkyl iodide is treated with either silver fluoride or mercurous fluoride, so we get alkyl fluoride. Hunsdicker reaction. In this reaction, silver salt of carboxylic acid is treated with halogen, especially bromine, in presence of CCl4, so it gives alkyl halide alkyl bromide. Riemann-Tiemann reaction, most important reaction. In this reaction, phenol is treated with chloroform and potassium hydroxide. Salicyl aldehyde is formed. You have to learn this reaction. Phenol is converted into
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इट इज सैलिसिल एल्डिहाइड। डॉज प्रोसेस, गुड रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 623 एंड 300 एटमोस्फेयर प्रेशर टू गेट सोडियम फिनोक्साइड विच व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl इट गिव्स फिनोल। कोलबेज रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द सोडियम फिनोक्साइड followed by heating in the presence of acidic medium at temperature 410. Sodium salicylate is formed which gives salicylic acid on reaction with acid. तो इसमें हम sodium alkoxide से sodium phenoxide से salicylic acid बना सकते हैं। Schotten-Baumann reaction. It is the benzoylation reaction. बेंजोइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पर रिएक्शन एंटर कराना मेनली एज ईस्टर फॉर्मेशन। सो बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल और फिनोल और अमाइन और एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड इज नोन एज Schotten-Baumann रिएक्शन। दो रिएक्शंस आपको दी गई हैं, पहले में फिनोल की रिएक्शन है, बेसिक मीडियम है और बन रहा है फिनाइल बेंजोएट, दूसरी तरफ एनिलीन की रिएक्शन है NOH की प्रेजेंस में, बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है बेंजीन रिंग पर COCl एंड गिव्स फिनाइल बेंजामाइड, बोथ आर दीज Schotten-Baumann रिएक्शन। नेक्स्ट इज डाई एजोटाइजेशन, यहाँ पर हम एनिलीन ग्रुप को N2Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 एंड HCl एट 0-5 डिग्री सेल्सियस डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड और एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप एंटर ऑन द बेंजीन रिंग, इट इज द बेसिक रिएक्शन। बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप की एंट्री या एसाइल ग्रुप की एंट्री कराना कहलाता है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ट्रीटेड विद जिंक HG अलॉय एंड कंसेंट्रेटेड HCl हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड, CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH3 ग्रुप। तो एल्डिहाइड से एल्केन बनाने का ये मेथड है, इट इज कंप्लीट रिडक्शन। Rosenmund reaction. In this reaction, acid halide is reduced with hydrogen in the presence of PdBsO4 having sulfur in xylene. Aldehyde or ketone is formed. So COCl group is converting into CHO group. It is also reduction method of the acid halide. Cannizzaro reaction. In this reaction, aldehyde having no alpha hydrogen atom is heated with concentrated NaOH or KOH, it undergoes disproportionation to give one molecule of alcohol and one molecule of sodium salt of acid. Formaldehyde and benzaldehyde केवल ये reaction दे सकते हैं, इनके पास कोई alpha carbon नहीं है, alpha H नहीं है। So one group HCHO aldehyde एक तरफ ये reduce हो रहा है alcohol में, दूसरी तरफ oxidize हो रहा है carboxylic acid के sodium salt में। So it is disproportionation reaction. Deformatusky reaction, an organic reaction that is used to convert ketone or aldehyde or alpha haloesters to beta hydroxyester by using metallic zinc and acid. R2CO, इसकी reaction कराई जा रही है CH2CO C2H5Br के साथ, zinc की presence में रिएक्शन होगी और CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में, दैट इज Deformatusky रिएक्शन। लर्न दिस HBZ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड गिव्स अल्फा हेलो एसिड।
CH3COOH. So CH3 is alpha carbon and hydrogen present on it are alpha H. These H can be replaced by halogen 1 by 1. It is HBZ. Formic acid will not give this reaction. Benzoic acid will not give this reaction. Hofmann bromomide or Hofmann degradation reaction, most important reaction this is. In this reaction, amide is heated with bromine and QH. It gives primary amine with one carbon less. वन कार्बन लेस करना हो जब भी तो हम इसमें इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं. CH3CONH2 KOH प्लस ब्रोमीन रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट होगा CH3NH2 विद वन कार्बन लेस. KBr, K2CO3 एंड H2O आर बाय प्रोडक्ट्स. लर्न दीज रिएक्शंस. एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन एल्डिहाइड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम and treated with dilute NaOH, dilute base, beta hydroxyaldehyde जिनको हम एल्डोल कहेंगे and ketones, beta hydroxy ketones, ketols कहलाते हैं, ये बनेंगे compounds. So these are formed and two molecules of aldehyde, for example, react. So one molecule is added on the other molecule and it is beta hydroxy butyl aldehyde जिसको हम कहेंगे एल्डोल. Most important reaction. Aldol condensation. Claisen condensation. It is just like aldol condensation, but it is for esters. So ethyl acetate when treated with catalyst or reagent, sodium ethoxide, it forms ethyl acetoacetate. Itard reaction, most important reaction. In this reaction, toluene is partially oxidized with chromyl chloride in the presence of CCl4 followed by hydrolysis. So toluene is converted into benzaldehyde. You can directly convert toluene into benzaldehyde writing equation in two steps. Coupling reaction also very important. In this reaction, phenol is treated with diazonium chloride in the presence of basic medium. Orange red dye is formed, which is para hydroxy azo benzene. Gottermann-Kotz reaction. In this reaction, benzene is treated with carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous aluminum chloride. Benzaldehyde is formed. It is a modification of the Friedel-Crafts reaction. Gottermann-aldehyde reaction. Gottermann-aldehyde mein HCN use hoga in place of CO. Both are just like same reaction. But in case of Gottermann-Kotz, CO is used. But in Gottermann-aldehyde reaction, HCN is used in place of CO. And both are giving the same type of compounds, entry of CHO group. Stephens reaction, very important reaction. In this reaction, alkyl cyanide or acyl cyanide, aryl cyanide reacts with anhydrous SN(Cl2) and concentrated HCl give aldehydes. So you have to remember this equation for your exam. Tischenko reaction, not most important, but may also be asked in the examination. Tischenko reaction. In this reaction, acetaldehyde directly converted into ester of aluminum ethoxide. Two molecules. वन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाएगा अल्कोहल, दूसरा बनाएगा एसिड और ये दोनों ऐड होकर बनाएंगे ईस्टर. वोल्फ-किशनर रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन एंड QH विद इथाइलिन ग्लाइकोल एट 455 केल्विन टेम्परेचर. सो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप by reaction with hydrogen and reaction takes place. You can remember it by writing practice. Gabriel-thalamide reaction, most commonly asked question or name reaction. Gabriel-thalamide, in this reaction potassium thalamide is heated with alkyl halide, gives an alkyl thalamide which on hydrolysis gives primary amine.
यहाँ पर हम एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस के लिए हमें एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा, जो कि रेजोनेंस के कारण उसमें बॉन्ड स्प्लिट नहीं होगा और एरोमेटिक अमाइन मेथड से नहीं बनेगा। सो यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अमाइन इज वन चैप्टर इन इटसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप में एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आने के लिए ओनली वन रिमेनिंग टू नेम रिएक्शन होंगी, कैप्राइल थैलेमाइड वन ब्रोमाइड रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम एजाइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स प्राइमरी अमाइन। इन दिस मेथड COOH ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। ट्रांस एस्टिफिकेशन इट इज द शॉर्ट नोट। इन दिस मेथड वन ईस्टर इज ट्रीटेड विद एल्कोहल and alkoxy part of the alcohol replaces the alkoxy part of ester and forms changed ester. तो यहाँ पर alcohol का alkoxy part ester के alkoxy part को replace करके एक नया ester बना देता है। Protonation, combination of proton in acidic medium is known as protonation. Ammonia plus H positive is ammonium ion, it is protonation. Ozonolysis, reaction of alkene with ozone followed by hydrolysis with zinc and H2O to give aldehyde and ketone is known as ozonolysis. Alkenes की reaction ozone के साथ पहले ozonide बनेगा और उसकी hydrolysis करने पर zinc और water के साथ में it will give aldehyde and ketone, that is ozonolysis. Example of ozonolysis is alkene double bonded compound. Ozone first acts on alkene and ozonide is formed. This ozonide on hydrolysis split into C double bond or C double bond groups. So, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन पे सेपरेटली ऑक्सीजन एड हो जाएगा और वो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ल्यूकास टेस्ट। इन दिस टेस्ट एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद कंसेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस zinc chloride. So tertiary alcohols give turbidity immediately, precipitate देते हैं आसानी से तो immediately. Secondary alcohols 5 to 10 minute में test देते हैं और primary alcohol कोई reaction नहीं करते हैं. So no turbidity or and it is the test for distinction of primary, secondary and tertiary alcohols. Iodoform test, most important test in organic compounds. When alcohols having CH3CHOH group, aldehydes, ketones having CH3CO group, when treated with iodine and sodium carbonate, give yellow precipitate of iodoform. It is known as iodoform test. So very important test. जिन भी compounds में alcohols में ethyl alcohol, isopropyl alcohol and any alkenol 2, any alkenone 2 and only acetaldehyde, these give this test. Sajeff rule, if an alkyl halide can give two possible alkene on reaction with alcoholic OH, more alkylated alkene is the major product. एक ऐसा alkyl halide जिसमें कि दो बीटा कार्बन हैं और रिएक्शन होने पर वो दो पॉसिबल एल्कीन दे सकता है, तो उसमें मोर alkylated alkene major product hoga and you can see it. Twitter ion, when acidic and basic group both are present in the same molecule, dono ek hi molecule mein hai, acidic group bhi basic group bhi, to yahan par acidic group se basic group mein H positive ka transfer hoga, proton ka transfer hoga और ये बना लेता है डाइपोलर आयन। सो ज्विटर आयन इज द डाइपोलर आयन फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक ग्रुप टू बेसिक ग्रुप। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो एच पॉजिटिव होगा, इट इज ट्रांसफर टू NH2 एंड इट फॉर्म्स RCHNH3 पॉजिटिव COO माइनस ज्विटर आयन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। So that's all for today. Learn all these
name reactions by name, by writing practice, and it will help you to remember you the most of the convergence and will help you to solve the convergence. Thank you.